डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय आर्थिक समुदाय के उद्देश्य क्या हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के उद्देश्य रोम की संधि के अनुच्छेद 2 में है। इस समुदाय का मुख्य उद्देश्य सदस्य राज्यों का एक साझा बाजार विकसित करना है, जिससे पूरे समुदाय में आर्थिक क्रियाओं का समान रूप से लगातार और संतुलित प्रयास हो सके। इसके मुख्य उद्देश्य हैं, नंबर 1, यूरोप को विभाजित करने वाले सभी विवादों को सिरे से समाप्त करना। नंबर 2, संयुक्त कार्रवाई के द्वारा यूरोप के निवासियों की कार्य करने की स्थिति एवं रहन सहन की स्थिति में सुधार करना। नंबर 3, यूरोप की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, आर्थिक शक्ति में सुधार करना और सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल भूमिका निभाना। नंबर 4 है, उन सभी अव्यवहारिक और पुरानी कठिनाइयों को समाप्त करना जिन्होंने पूरे यूरोप को छोटे छोटे बाजारों में बांट रखा था। नंबर 5 है, बड़े स्तर पर लाभप्रद औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन देना। और नंबर 6 है, एक भावी यूरोप के संयुक्त राष्ट्रों का आधार प्रस्तुत करना। ये थे आर्थिक यूरोप के जो आर्थिक समुदाय है उनके उसका उद्देश्य क्या है। थैंक यू।